चंडीगढ़ में एमएमएस कांड पर बवाल, सड़कों पर उतरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, शिमला से जुड़े वीडियो के तार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के कथित एमएमएस लीक होने का मामला बेहद गंभीर हो गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई छात्रों के आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए हैं। हालांकि इसके बाद अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म हो गया। कहा जा रहा था कि एमएमएस लीक होने के बाद कई छात्राओं ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन्हें महज अफवाह करार दिया और ऐसी किसी भी बातों को नजरअंदाज करने की अपील की है। पीआरओ चांसलर डॉक्टर आर एस बावा ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 छात्रों ने आत्महत्या की कोशिश की है। मैं स्पष्ट करता हूं कि सीयू में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस वक्त सीयू का कोई बच्चा इस संदर्भ में किसी अस्पताल में नहीं है और न ही कोई सेहत की समस्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी छात्रा लंबे वक्त से वीडियो बना रही थी। कथित रूप से हॉस्टल के बाथरूम में बनाए गए इन वीडियोस को उसने हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहने वाले एक दोस्त को भेजा। आरोप है कि उसी दोस्त ने ये वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले। यूनिवर्सिटी के एक अन्य छात्र ने वीडियो देखा तो कैंपस में बात फैल गई। देखते ही देखते स्टूडेंट्स जुटे और उनके परिजन भी। शनिवार रविवार की रात को यूनिवर्सिटी में प्रशासन शुरू हुए तो पुलिस बुला ली गई। अब भी यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं पीआरओ चांसलर डॉक्टर आर एस बावा ने अपने एक और बयान में जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपित लड़की ने अपनी कुछ वीडियो और फोटो अपने प्रेमी को भेजे हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल से कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी हमने पुलिस को मामला दिया है। हमने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। बच्चे और माता पिता किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन जैसे ही दावा मोहाली के पुलिस प्रमुख ने भी किया है। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने कहा कि ये बात गलत है कि कई लड़कियों के वीडियो बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जांच में ऐसी कोई दूसरा वीडियो सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो आरोपी छात्रा का खुद का है। एडीजीपी गुरप्रीत देव का कहना है कि आरोपी लड़की को शिमला का एक लड़का जानता है। लड़के को गिरफ्तार किया जाएगा और फोन की फॉरेंसिक जांच होगी, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। फॉरेंसिक टीम से डिलीट किया गया वीडियो भी सामने लाने की संभावना है। गौर हो कि मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात 2 बजे से उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब पता चला कि हॉस्टल की 5 से 6 लड़कियों का नहाते वक्त का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। बताया गया कि लड़की ने वीडियो बनाकर अपने जान पहचान वाले लड़के के पास भेज दिया। इस मामले पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। वीडियो सामने आने के बाद छात्राएं हॉस्टल से बाहर आ गईं। उन्होंने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और यूनिवर्सिटी को घेर लिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।